पद्मश्री अवार्ड के नाल सन्मानित डॉक्टर किरण सेठ 73 साल के ने इस दे बावजूद वह चंगे साइकलिस्ट भी ने। देश की सभ्यता शास्त्रीय संगीत ते कला के प्रति भारतीय नौजवानों के विच जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने एक वड्डी यात्रा शुरू की हुई है ते बीती 15 अगस्त को उन्होंने श्रीनगर कश्मीर तो कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा शुरू की सी जिस दे तहत अज चंडीगढ़ पहुंचे। वह अपनी मुहिम के तहत पंजाब के दौरे ते ने ते 10 सितंबर तक चंडीगढ़ ते पंचकुला दे विच स्कूलां ते कॉलेजां दा दौरा करके नौजवानां नूं भारतीय सभ्यता कला ते संगीत नूं लै के जागरूक करनगे। ये साइकिल यात्रा किस लिए की जा रही है? इसके परम उद्देश्य ही तीन है। पहला उद्देश्य तो सब जानते हैं कि शरीर के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, और केवल शरीर के लिए नहीं पर मानसिक विकास के लिए भी और आध्यात्मिक विकास के लिए भी। बिकॉज जब आप साइकिल करते हो, मैं एकांत में साइकिल करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे साथ साइकिल ना करे, क्योंकि वो एक मेडिटेशन बन जाती है एकांत में, और बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सब साइकिलिस्ट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ योर साइकिल साइकिलिंग। वन डायमेंशन इज फिजिकल, बट यू कैन इंक्रीज इट बाय टू अदर डायमेंशन इफ यू डू नॉट टॉक व्हाइल योर साइकिलिंग। दैट इज यू कैन मेक योर कॉन्सेंट्रेशन लाइक अ लेजर बीम एंड यू कैन मेक इट इंटू अ मेडिटेशन। तो ये तो पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा उद्देश्य वो जैसे अभी सबने बताया, हम स्पिकमेके को सारे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं बाय 2030। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पर आप सबको अगर सहयोग मिलेगा तो शायद हो जाए। और इसके लिए हमें प्रचार प्रसार करना है। दस दईए कि डॉक्टर किरण सेठ ITI दिल्ली दे मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग तो प्रोफेसर दे तौर ते रिटायर होए सी ते 73 साल किरण सेठ ने IIT खड़गपुर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग दी पढ़ाई कीती सी ते साल 2009 दे विच भारत सरकार वल्लों उन्हां नूं कला दे खेतर दे विच खास योगदान देण चलदे पद्मश्री नाल सन्मानित कीता सी। जगबाणी TV लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह दी रिपोर्ट।